कहाँ से आया क्या पता। अरे बाप रे, बर्दाश्त नहीं हो रहा, कितनी बदबू आ रही है इससे, लगता है गोबर में पैर डाल के आया। नहीं देखा, मुझे तो पता ही नहीं था। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठ जाओ। साइलेंस। क्या हो रहा है उधर? सर यहाँ पर बहुत गंदी बदबू आ रही है। कैसी बदबू आ रही है? आ, 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 आ। बहुत होशियार है, ये कैसे हुआ? उठो और इसे साफ करो। बहुत होशियार बनता है, जाओ जाकर पैर धोकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, हंसो मत। आखिरी गाड़ी आ गई, चलो जल्दी आओ। उधर क्या है? वो हमारा बस स्टैंड है सर। बस स्टैंड है? तुम जाकर पैर धोकर आओ। इधर भी कीचड़ में पैर डालकर आ जाते हैं, माँ बाप को भी इसकी फिक्र नहीं। अनिल कुमार। हजर। जब दोस्तों ने मजाक उड़ाया तो दुख हुआ, अपने हीरो के लिए कीचड़ की बदबू से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वैसे ही बदबू उसके घर में भी आती थी। उसके पिताजी एक मजदूर थे, ये रहे। और उसकी मां घरेलू औरत होने की वजह से खुशबू से उसका कोई वास्ता नहीं था। स्कूल में सिर्फ खाना खाने के लिए तुम आते हो, पढ़ाई के लिए नहीं। चल बैठ नीचे। सर। ठीक है, अंदर आओ। ठीक है थॉमस, बोलो। अब्राहम लिंकन। सही जवाब। कुछ भी हो जाए, अपना हीरो स्कूल जरूर आता था। उसके आने का कारण था, आप सोच रहे होंगे, उसके दोपहर का खाना। नहीं, वो स्कूल नहा धोकर तैयार होकर एक लड़की के लिए आता था, जिसका नाम था गायत्री। साइलेंस। तो तुम क्या कह रहे थे? सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करके महान होने वाले महान अब्राहम लिंकन थे। अरे सुन, मैं महान नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे घर बिजली है, मैं लाइट पे पढ़ सकता हूँ, पर तुम तो दिए में पढ़ते हो ना। चुप करो। अरे वो देख बालू। अब बताओ किस हाथ में? इस हाथ में। सही। अब मैं करती हूँ। अच्छा, अब तो बता किस हाथ में है? इस हाथ में है। आम चाहिए क्या? खाकर देखो, अच्छा है। लो। अरे लो ना। गायत्री मैं जा रही हूँ। अच्छा लगा? मुझे आम बहुत पसंद है। और उसे तुम बहुत पसंद हो, वो वहाँ खड़ा है ना, उसे। पकड़ 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 मुझे। क्या? सुन, मेरे साथ खेलोगे? क्या हम पागल है क्या? बड़ा आया, मेरे साथ खेलोगे? चल जा। चल प्रकाश, ये और इसका खेल।
तू जब मेरे साथ खेलने आएगा तब मजा आएगा। जाओ जाओ, क्या बताओगे तुम? चलो तुम, इसका चेहरा देखा कैसा रोने जैसा। तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था बालू। अब चलना प्रकाश। प्रकाश क्या कह रहे थे तुम? ए सुन, अरे बालू, उसने तो पूरा आम खा लिया और कुछ भी नहीं बोला। लड़कियां ऐसी ही होती हैं। लड़कियां हम लड़कों की तरह जो भी मन में आया बोल नहीं देती। जो पॉकेट में निकालना। क्या हुआ, निकालना? ये ले, पेंसिल दे रहा है। मुझे चॉकलेट चाहिए। अरे निकाल जल्दी। मुझे डर लग रहा है, उसने घर पे जाकर बता दिया तो। उसके पिताजी का चेहरा देखते ही मुझे पैंट में सूसू आ जाती है। ये ले। फिकर नॉट, मैं हूँ ना। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को दूर करना है। ये क्या कर रहा है? ठीक है। ये पागल तो नहीं हो गया? हाथ उठाओ अपना। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना। अब डर नहीं लगेगा तुम्हें? तू नहीं समझा रहे, कहीं उसने घर जाकर बता दिया तो। मत, हम मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए। तुम कुछ ज्यादा ही डर रहे हो। डरपोक कहीं का। अरे बाप रे, ये तो थॉमस आ रहा है। तुम ही रोज टिफिन खोल के मेरा अंडा खा लेते हो ना, चोर कहीं के। मुझे छोड़ो। खाया तो मार डालूंगा। अब मेरे टिफिन को हाथ भी लगाया ना तो तोड़ डालूंगा हाथ। हाँ, मर्द में हिम्मत होनी चाहिए और वो भी इसके जैसी। अबे तू यहाँ है? यहाँ पर क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा, टंकी भर गई थी। अरे दिन भर कितना पानी पीता है? पता नहीं क्या होगा, मेरा होमवर्क नहीं हुआ। अबे बोलेगा भी, बात क्या है? अरे कितने साल हो गए तूने अपने दिल की बात उसे नहीं बताई, आज तो तू उसे बता ही दे। कल से छुट्टी है, स्टडी लीव। अब चलें? हाँ चल। चलो। बालू स्टैचू। अबे तेरी तो थॉमस। अब क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों खड़े हो? चलो। अरे स्टैचू। बकवास मत कर। मुझे आकर छू रहा। चल अभी। जब देखो तभी बचपना करते रहता है। इतना बड़ा हो गया फिर भी स्टैचू स्टैचू खेलते रहता है। एग्जाम में जब अंडे मिलेंगे ना तभी से पता चलेगा। अंडे मिलेंगे तो बॉईल करके खा लेंगे। बालू सामने देख, कौन है? कहाँ? आज तो तू बोल ही डाल। मुझसे नहीं हो पाएगा। आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएगा। अरे जा, अबे जा ना, अभी जा, निकल। अरे जा। गायत्री, क्या बात है? जरा इधर आओ ना। अरे पूछना जल्दी। वो क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्लास के बाद तालाब के पास आना। क्या कहना चाहते हो? एग्जाम्स नजदीक आ रही हैं और मुझे शाम को ट्यूशन होता है। अब तुम घर जाओ। लड़की के पीछे इतना भागने के बाद जैसे सब लड़कों के साथ होता है, वैसा ही अपने हीरो के साथ भी हुआ। दसवीं में अपना हीरो फेल हो गया। अब क्या करेगा? सड़क के किनारे उसका इंतजार करेगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मुझे एक बात समझ में आई। अपने जिंदगी में हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। सिर्फ चाहत होना काफी नहीं है, चाहत को पूरा करने के लिए मजबूत फैसले होना भी उतना ही जरूरी है। चुनौतियों का सामना किए बिना दबाव में आकर आर्थिक परिस्थितियों को दोषी ठहराकर हम में से कई लोग पीछे हट जाते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम सब हमारे देश के भविष्य हो और तुम्हारे माता पिता का सपना भी। उस भविष्य में बिना रुकावट डाले यहाँ मौजूद हर एक दोस्त को कामयाबी मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।
अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता था। नमस्कार। थिंकर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिखाते हैं। मैंने तो ये नेट पर भी सर्च कर लिया है। अगर कोई 8 एल्गोरिदम सीखते हैं तो ये कर सकता है, और ये सब यूट्यूब में है। हंस क्यों रहे हो? जान, ज्यादा वक्त बर्बाद करके ये काम करने से कोई होशियार नहीं होता। जल्दी और कम समय में आँख, उंगलियाँ और दिमाग एक साथ इस्तेमाल करके जो काम कर सकता है उसे होशियार कहते हैं। अगर कोई डाउट है तो आजमा लो, तुम 100 गिनने तक मैं सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, हाँ ठीक है, तो करके दिखाओ। ये लो, गिनती शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100. अच्छा ठीक है, ये तो तुमने सॉल्व कर दिया। मेरे पिताजी को मना के दिखाओ, उसके लिए तुम्हें किसी अच्छे जगह पर जॉब करनी होगी। राम, क्वेश्चन नंबर 9। ओके मैम। 100 seconds में बिना लेटर ए के 100 शब्द बोलिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 97, 98, 99, 100. It's my answer, ma'am. You are right, Ram. दुनिया में कौन सा खिलौना सबसे ज्यादा बिकता है? '77 में अर्नो रूबिक नाम के आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई रूबिक्स क्यूब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला खिलौना है। यू आर राइट राम। थैंक यू मैम।